राज्य सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बेरोजगार के साथ खिलवाड़ बंद कराओ, बंद करो, कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बावजूद राज्य में सियासत का माहौल गर्माया हुआ है। उत्तराखंड में लगातार हो रहे पेपर लीक मामले पर अब विपक्ष युवाओं के साथ सरकार को घेरने की कवायद पर जुट गया है। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन उपवास रख सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मंगलवार को हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों ने पटवारी पेपर लीक होने के बाद बड़ा प्रदर्शन किया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि UK SSSC की भर्तियां हों या फिर UK PSC की, लगातार युवाओं के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में भर्तियों में धांधलियां हो रही हैं। साथ ही उन्होंने आगामी PCS परीक्षा और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा को स्थगित करने की सरकार से मांग की है और संलिप्तता पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कठोर कदम उठाए जाने की बात कही। और वही मुख्य आरोपी जो पटवारी पेपर मामले में जो मुख्य अभियुक्त है, वही जो परीक्षाएं होनी थी, होने जा रही हैं, स्पीशियस मेंस की, वो तत्कालीन अनुभाग अधिकारी रहा है जो सिलेबस में उसके हर पृष्ठ पर उसके साइन है, सिग्नेचर है। और आज सरकार आनंद फानंद में PCS की मेंस परीक्षा को, मुख्य परीक्षा को आयोजित करना चाहती है। निश्चित रूप से इसमें भ्रष्टाचार साफ तौर से दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं कि यह परीक्षाएं स्थगित हों। जिस प्रकार से भर्ती भ्रष्टाचार माफिया प्रदेश की चयन व्यवस्थाओं पे हावी है, बिना राजनीतिक संरक्षण के मैं नहीं मान सकता हूँ, कोई नहीं मान सकता है कि इतनी भारी पेपर लीक की व्यवस्था यहाँ चल रही है। ये पेपर लीक प्रदेश के नाम से जाने जा चुका है, घोटाला प्रदेश के नाम से अब शुमारी पा रहा है उत्तराखंड, जो देवभूमि कहलाती है। तो इसलिए इससे बड़े शर्म की क्या बात। ऊपर से जोशीमठ में आई हुई आपदा जिस पर सरकार की निरंकुशता साफ जाहिर हो चुकी है, साफ प्रतीत करती है कि ना कहीं विकास है ना किसी का साथ है। और सबसे युवा प्रदेश उत्तराखंड, पर कैपिटा जो इस देश में, वहाँ जो युवाओं के साथ छल हो रहा है, अवश्य उसके लिए कांग्रेस मुखर होकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने को, निर्णायक लड़ाई लड़ने को तैयार है। कि एक के बाद एक जो बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है उत्तराखंड में, उससे ऐसा लगता है कि सरकार नाम की उत्तराखंड में चीज ही नहीं रहेगी। इतनी अराजकता, लोगों को कानून का बिल्कुल भी भय न होना, एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, दिखाने को कार्रवाई भी हो रही है, SIT जांच भी हो रही है, लेकिन उसके बाद फिर वही घटना हो रही। तो ऐसा लगता है कि प्रदेश में आज अराजकता का ऐसा माहौल हो गया है कि लोगों को कानून का कोई न भर है, न भय है, न कोई डर है, और धड़ल्ले से लोग जो है जो गलत काम करना है कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।